मार्केट में बहुत जल्द ही विंडोज 11 लॉन्च होने वाला है। इसका डेमो वीडियो तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा, लेकिन क्या आपका हार्डवेयर, लैपटॉप, डेस्कटॉप विंडोज 11 पे माइग्रेट करने के लिए तैयार है? क्या विंडोज 11 को इंस्टॉल करना या अपग्रेड करना उतना ही आसान है जितना आसान कि विंडोज 8 और 10 को करना था? क्या विंडोज 11 की वही हार्डवेयर रिक्वायरमेंट है जो विंडोज 8 और 10 की थी? क्या विंडोज 11 उतना ही फीचरफुल है जितना कि विंडोज 8 और 10 था? दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें विंडोज 11 के अंदर ऐड की गई है, और वो सबसे बड़ा फीचर है हार्डवेयर लेवल की सिक्योरिटी, TPM एंड सिक्योर ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म मॉड्यूल। क्या ये भला है? क्या कभी हमने यूज़ किया है? क्या इससे पहले कभी हमने नाम सुना था? विंडोज 11 की जैसे ही रिक्वायरमेंट आए तो सभी TPM खोजने लगे। विंडोज 11 को इंस्टॉल करते वक्त कभी ये एरर, कभी वो एरर, इस तरीके से एरर आने लग गया। तो आज मैं अपने इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा कि TPM क्या है, क्या काम करता है, आपने कभी उसे यूज़ किया है कि नहीं, कौन कौन से डिवाइस में होता है, आप अपने लैपटॉप डेस्कटॉप में किस तरीके से पता कर सकते हैं कि TPM है कि नहीं, उसके बाद अगर नहीं है तो उसको हार्डवेयर लेवल पे आप कैसे इनेबल कर सकते हैं, और किस तरीके से अगर नहीं है तो ऐड कैसे कर सकते हैं। तो जुड़े रहिए इस वीडियो में हमारे साथ। माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज 11 जो आने वाला है उसके लिए काफी सारे रिक्वायरमेंट्स दिए गए हैं जो कि इसको विंडोज 8 और 10 से बिल्कुल ही डिफरेंट बनाता है। लुक वाइज, एप्लीकेशन वाइज ही डिफरेंट नहीं है। आपको हार्डवेयर लेवल पे भी बहुत सारी चीजें चाहिए, तभी आप जाके अपने सिस्टम को विंडोज 10 से विंडोज 11 पे अपग्रेड कर सकते हैं। तो क्या वो रिक्वायरमेंट है? सबसे पहली रिक्वायरमेंट तो है हार्डवेयर लेवल पे। अगर आपको हार्डवेयर लेवल पे रिक्वायरमेंट जानना है तो आप मेरे वीडियो को चेक कर सकते हैं जिसमें मैंने पूरा डिटेल बताया। अब चलते हैं हम फिजिकल सिक्योरिटी लेवल पे। जी हाँ दोस्तों, विंडोज 11 में आपको सिक्योर बूट और TPM ऐड किया गया है। अगर ये दो चीज़ें होंगी तभी आपका विंडोज 11 आपके लैपटॉप और डेस्कटॉप पे इंस्टॉल हो पाएगा, अपग्रेड हो पाएगा, या आप उसे यूज़ कर सकते हैं। तो आखिरकार क्या ये भला है TPM? व्हाट इज TPM? क्या कभी हमने इसे देखा है, कभी यूज़ किया है? दोस्तों, TPM इज ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म मॉड्यूल, और इसका काम है क्रिप्टोग्राफिक कीज को स्टोर करना, जनरेट करना और उसको लिमिट करना दूसरे के यूज़ के लिए। अब हम बात करते हैं कि क्या कभी आपने इसे यूज़ किया है। बिल्कुल यूज़ किया है। TPM हर एक डिवाइस में, आज का जितना भी गैजेट बन रहा है, स्मार्ट डिवाइसेस बन रहे हैं, सभी में ऐड है। इसका मैं बहुत ही सिंपल एग्जांपल देता हूँ। आप अपना मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, फिंगरप्रिंट के थ्रू खोलते हैं, फेस रिकॉग्नाइजेशन के थ्रू करते हैं, कौन कर रहा है, ये सारी चीज़ें जो हो रही है वो TPM के थ्रू ही हो रही है। TPM इज अ काइंड ऑफ चिप जो कि आपका क्रिप्टोग्राफिक फंक्शन कीज को स्टोर करता है। जो भी आप इनपुट दे रहे हैं, फिजिकल इनपुट दे रहे हैं, उसको स्टोर करके उसको मैच करता है और किसी गलत आदमी के हाथों में ना पड़े, उसका यूज़ ना हो पाए, तो उसको वहाँ पे वो लिमिट करता है। तो यही TPM का मेन फंक्शन है। अब माइक्रोसॉफ्ट में ऐसा क्यों किया कि TPM को विंडोज 11 में डाल दिया? मेनली वायरस से प्रोटेक्ट करने के लिए, स्पैमवेयर मेलवेयर से आपके सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए। मान लीजिए कोई हैकर क्रैकर आपके सिस्टम को हैक कर देता है, तो जब तक उसको सही ऑथेंटिकेशन नहीं मिलेगा, सही तरीके से फर्मवेयर और OS का ऑथेंटिकेशन नहीं होगा, तब तक आपका सिस्टम खुलेगा नहीं। तो सिंपल से लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो TPM इज नथिंग, इट्स अ काइंड ऑफ हार्डवेयर ऑथेंटिकेशन। फिजिकल लेयर के ऊपर एक ऑथेंटिकेशन है जो मैच करता है, तभी आपका जो है सिस्टम ऑन होता है, अदरवाइज वो नहीं होगा। इसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता है। एक बार जो आपने फिजिकल लेवल पे इनपुट दे दिया, वही आपका क्रिप्टोग्राफिक कीज में यहाँ पे स्टोर रहेगा, और जब कभी भी ये मैच करेगा सही तरीके से, तभी आपका सिस्टम ऑन या बूट अप होगा। आज के टाइम पे TPM हर एक डिवाइस में मौजूद है, VMware से लेके, राउटर से लेके, मोबाइल फ़ोन से लेके, लैपटॉप से लेकर के डेस्कटॉप, हर एक जगह पे। अगर आपने 2010 के बाद लैपटॉप, डेस्कटॉप या PC लिया है तो आपके प्रोसेसर के अंदर ही TPM मौजूद है। AMD का TPM जो है उसका ये नाम होता है, और Intel का TPM इस तरीके से कुछ उसको प्रोनंसिएशन करते हैं। अब बात है कि किस तरीके से जो है हम अपने डिवाइस के अंदर, हार्डवेयर के अंदर, लैपटॉप के अंदर, डेस्कटॉप के अंदर चेक कर सकते हैं कि TPM कहाँ पे मौजूद है। इसका सिंपल सा तरीका है सॉफ्टवेयर लेवल पे चेक करने का, कि आप अपने सेटिंग्स में जाइए, सेटिंग्स से अपडेट एंड सिक्योरिटी में जाइए, वहाँ पे आपको डिवाइस सिक्योरिटी मिलेगा, उसके अंदर आपको प्रोसेसर का डिटेल मिल जाएगा, और उसको क्लिक करते ही आपको TPM है कि नहीं ये बता देगा।
अगर यहाँ पे भी आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो आप डिवाइस मैनेजर में जाए, वहाँ पे डिवाइस सिक्योरिटी पे जाए, वहाँ पे टीपीएम अगर आपके लैपटॉप डेस्कटॉप या हार्डवेयर में है तो वहाँ पे दिखा देगा। इसके बावजूद भी अगर आपको लगता है कि मेरा टीपीएम इनेबल नहीं है, डिसेबल है या कुछ भी है, तो आप रन में जाकर के tpm.msc को टाइप कर सकते हैं और वहाँ पे आपको ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म मॉड्यूल का सारा स्टेटस दिखा देगा कुछ इस तरीके से। तो ये था ओवरऑल चेकिंग। लेकिन क्या हो जब आपके डिवाइस के अंदर, आपके लैपटॉप डेस्कटॉप के अंदर टीपीएम मौजूद ना हो, आप विंडोज इंस्टॉल कर रहे हो और ये एरर आ जाए? तो दोस्तों इसका सॉल्यूशन है कि आप अपने हार्डवेयर लेवल पे, बायोस लेवल पे जाके चेक करें कि बायोस में टीपीएम को इनेबल किया गया है कि नहीं। तो बायोस में टीपीएम को इनेबल करने का सिंपल सा तरीका है, अगर आप इंटेल बोर्ड पे कर रहे हैं तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा टीपीएम, एडवांस में जाके कर सकते हैं। अगर आप एएमडी के प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं तो कुछ इस तरीके से आपको एडवांस, बायोस के एडवांस सेटिंग्स में मिल जाएगा। एक बार आपने इनेबल कर दिया तो विंडोज 11 को इंस्टॉल करते वक्त, विंडोज 11 को 10 से अपग्रेड करते वक्त जो भी एरर टीपीएम से रिलेटेड आ रहा है वो आपको नहीं आएगा। ध्यान दीजिए दोस्तों, ये एक ऐसा सिक्योरिटी लेवल है फिजिकल लेवल पे। सॉफ्टवेयर लेवल पे देखिए, कितनी भी सिक्योरिटी आप इम्प्लीमेंट कर दीजिए वो कहीं ना कहीं वो टियर डाउन हो जाता है, उसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं, लेकिन हार्डवेयर लेवल पे सिक्योरिटी को ब्रेक करना इतना आसान नहीं है। तो यही टीपीएम का काम है। टीपीएम आपका सिक्योर बूट के टाइम पे भी आपके ओएस और फर्मवेयर को लोड करते वक्त वेरीफाई करता है कि सारे सही ओएस को लोड हो रहा है कि नहीं, फर्मवेयर सही तरीके से लोड हो रहे है कि नहीं। और एक बार ये सारा वेरिफिकेशन हो जाता है तभी आपका सिस्टम सही तरीके से बूट अप करता है। ये सारा चीज करने के बावजूद भी अगर आपको लैपटॉप डेस्कटॉप के अंदर टीपीएम नहीं मिलता है तो आपको एक्सटर्नल टीपीएम खरीदना पड़ेगा। अगर आपका मदरबोर्ड सपोर्ट करता है तो टीपीएम का एक्सटर्नल चिप आता है जिसे आप यूज करके अपने मदरबोर्ड पे लगा सकते हैं और वहां से टीपीएम को इनेबल कर सकते हैं। तो होप सो दोस्तों कि आज का ये वीडियो हाउ टू अपग्रेड विंडोज 11 फ्रॉम विंडोज 10 पसंद आया होगा। सो लेट मी नो थ्रू योर कॉमेंट्स हाउ रियली यू फील अबाउट दिस वीडियो।